पाकिस्तान एक फेडरेशन है, ये सुन ले। फेडरेशन में जो है सुन लो साहब, बलोच, सिंधी, सराइकी, पंजाबी अकवाम रहते हैं। ये पाकिस्तान फौज के लिए नहीं बना है। सूबों की जो अक्सरती जबान है उनको ये कौमी बोली तस्वर करेंगे। बुनियादी तौर पर मसला है क्या रियासत की जिम्मेवारी के वहाँ पर रहने वाले अकवाम की जो जबानें हैं हजारों साल से, उसको तालीमी, अदालती, मीडिया, स्कूल और मार्केट की जबानें बना लें। बदकिस्मती से पाकिस्तान में कोशिश ये हो रही है कि पश्तो, बलोची, सिंधी, सरायकी, पंजाबी जबानों को जो हैं ये लोग ख़त्म कर दें। इस पर जो है 73 साल से काम हुआ है, उर्दू की शक्ल में, अंग्रेजी की शक्ल में, अरबी की शक्ल में जो है ये लोग मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं, जो इन कौमों के साथ जुल्म कर रहे हैं, कौमों के साथ जबर करें। हजारों साल के करोड़ों लोगों के बोलने वाले सिंधी जो हैं ये लोग जो है इसको ख़त्म करना चाहते हैं, जो नहीं होना चाहें। और हम भी रियासत के अदारे इस पर लगे हुए हैं कि इन जबानों को जो है जगह पे उर्दू जो है, अंग्रेजी जो है, अरबी जो है हमारी जबान बना दें। सिंधियों ने फिर भी हिम्मत की है कि यहाँ पे जो है तालीमी सिस्टम जो है उस सिंधी में। हम तो ये चाहते हैं कि कौमी असम्बली की कार्रवाई भी जो है कौमी जबानों में होना चाहिए, ना कि अंग्रेजी उर्दू में जाए। प्रोविंशियल असम्बली को जो है कोई कौमी जबानों में होना चाहिए, ना कि जो है उर्दू, अंग्रेजी व अरबी में होना चाहिए। और इसके लिए जो हमारे पॉलिटिकल जो खासकर वतन दोस्त, काम दोस्त, डेमोक्रेटिक पार्टियां जो हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना चाहिए। क्योंकि एक सिंधी की पहचान जो है आप अपने उसकी जबान से कर सकते हैं, और अगर उसकी जबान जो है ख़त्म कर दी जाती है तो सिंधी शनाख्त ख़त्म हो जाती है। इसी तरह पश्तून की, बलोचों की, सिंधियों की, तो लिहाजा सरायकियों के जैन। और यहाँ पे हम तो ये चाहते हैं कि हर कौम की उसकी जबान के साथ फेडरेशन में जिसकी बराबरी होना चाहिए, बिल्कुल हकीकी बराबरी होना चाहिए। खारजा पॉलिसी में, दाखिला पॉलिसी में, माशी पॉलिसी में जो है, और उसके लिए बेहतरीन फोरम जो है वो सेनेट है। सेनेट के इख्तियार जो है कौमी असम्बली के बराबर होना चाहिए। और जो बाहर के एम्बेसडर्स हैं, जो आर्मी चीफ हैं, जो वहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, इन सब को जो है बाय रोटेशन जो है कौम की बारी आना चाहिए। अभी सेनेट की इलेक्शन जो होती जा रही है, होने जा रही है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या पीआई और पीडीएम के मामले में? मसला ये है कि जिस तरह से 25 जुलाई 2018 को जो है एस्टेब्लिशमेंट इंटेलिजेंस अदारों ने इमरान एंड टोले को जो है यहाँ पे मुसलत किया, और सिंध में भी ये कोशिश कर रहे थे कि जेडीए को जो है यहाँ पे जिस पे मुसलत कर दिया, दूसरों सूबों में जो है बाप पार्टी ये सब को जो है, सेनेट में भी उसी पैटर्न पे जो है वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को जो है मुसलत कर दें, नाम याद अक्सरियत इन लोगों के दिलवा दें। पीडीएम जो है इंशाल्लाह वो मुकाबला कर रहे हैं।